सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो इस बच्चे का चुप होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं निजामुद्दीन भाई। मैंने कहा ना कि सियासी इख्तलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं मेरा मन करता है कि मुझे ये चार मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं, मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में ना चला जाऊं। आप मुतमईन रहें इंशाल्लाह, दायरा पता है मुझे, मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज मेहरबानी करके, फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने। 1001 किसी की गाड़ी है वो जिसकी भी हो उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें, शायद कृपा शंकर जी की गाड़ी फंसी हुई है। जी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा वंस मोर, इसी चक्कर में तो देश की आबादी सवा अरब हो गई, वंस मोर के चक्कर में। फिर आपका हुक्म है मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा किनारे हो जाएं, अगर बैठ सकें तो बैठ जाएं। अल्लाह ने खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, तो बेहतर होगा कि उसे भी जमीन पे टिका दें। और बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए, चुनाव में तो खड़े नहीं है आप, कि खड़े ही रह जाएंगे, तो मुशायरे में खड़े हैं तो बेहतर होगा कि जहां भी किनारे हो सके। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है। और 31 दिसंबर की ये रात है, साल बिल्कुल बस कुछ ही लम्हे बचे हैं साल को बीतने में। मुझे खुशी होती है और जब भी इस तरह के प्रोग्राम के लिए निजाम भाई मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल सारे दायरे तोड़ करके जहां पूरा मुल्क या पूरी दुनिया जो है वो कहीं डांस के प्रोग्राम में, कहीं म्यूजिक के प्रोग्राम में, कहीं शराब में डूबी हुई हो। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे तक आवाज नहीं जा रही है? माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद है, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल करके तो केवल असदुद्दीन ने बोला, मगर खुल करके तो केवल असदुद्दीन ने बोला। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए हजारों लोगों से मैं बस यही एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे मुसलसल देख रहा हूँ कि
तीन तलाक के मुद्दे पे तकरीर को ही आपने आखिरी बात मान ली कि बस तकरीर हो गई, मामला खत्म हो गया। नहीं, अभी सिर्फ लोकसभा में बिल पास हुआ है, राज्यसभा में बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल साहब है। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जालिमाना कोशिश की जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश है।